सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है न्यू बिहार ऑटोमोबाइल और आज हमारे पास खड़ा है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 500 रिबॉन। रिबॉन इसलिए बोल रहे क्योंकि भाई इसका कंप्लीट आप लोग कलर देखोगे ना, कंप्लीट जो हेलिकन ग्रीन कलर आता था सेम वैसा ही कलर किया गया है इसे। एंड इनफैक्ट जो इसका कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह है, लोगो वगैरह के रिगार्डिंग और जितना भी स्ट्राइप्स वगैरह, सब हेलिकन ग्रीन से आप समझो रिजेंबल करेंगे, ऐसा इसका कलर वगैरह दिया हुआ है। फ्रंट देखोगे पोर्शन तो कंप्लीट मडगार्ड में, ये कंप्लीट समझो पूरा रीपेंट हुआ है। ये वाला क्लासिक 500 पूरा रीपेंट, पूरा रीस्टोर हुआ है। आप यहाँ पे देखो भाई, कंप्लीट क्लासिक 500 वगैरह का जो लोगो वगैरह सेम जितना अभी न्यू मॉडल में आ रहा है ना, मतलब रिबॉन सीरीज में जितना भी जिस टाइप का लोगो आ रहा है, जिस टाइप का कलर आ रहा है, डिट्टो आपको उसी टाइप से मैच करेगा। इसलिए थंबनेल और टाइटल में लिखा मैंने क्लासिक 500 रिबॉन। तो चलो अभी आप लोग पहले इसका सिनेमैटिक शॉट्स देख लो, उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस है A to Z सब हम लोग कवर करके आप लोग को बताएंगे। तो भाई होपफुली आपको इसका सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह पसंद आया होगा और मेरे को पूरा कंफर्म है कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर ज़रूर आए होंगे कि क्लासिक 500 रिबॉन कैसे लगा विथ ओल्ड टेल एंड कंप्लीट न्यू एलॉयज। तो आप लोग, मतलब मैं बोलूँगा जनरली आप लोग ज़रूर वही सोच के टैप किए होगा कि इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे और 500 क्यों लिख रहे हैं इसे। तो बेसिकली ये क्लासिक 500 आपका ओल्ड मॉडल है। इफ़ यू सी द हैंडल एंड मीटर, BS3 आपका इंजन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो आपको हेडलैम्प कंट्रोल करने के लिए, एंड जो इसका कंप्लीट मीटर कंसोल है वो भी देखो 36,000 चला हुआ है आपका क्लासिक जो ये वाला मॉडल है, एंड ये क्लासिक 500 है। तो आपको लेट मी शो यू द 500 मार्क। तो यहाँ देखो EFI 500 का मार्क आपको दिया हुआ है एंड कार्बोरेटर सिस्टम वगैरह इसका। बाकी बात इंजन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा खासा अभी भी इंजन है। एंड कंप्लीट जो इसको रीस्टोर किया गया ना भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक टाइप के लिए आप लोग के जैसा मैं भी थोड़ा सा समझो सरप्राइज हो गया कि क्लासिक आया हुआ है रिबॉन, जिसमें देखो यहाँ पे टेल देखो, ये वाली टेल आप देखोगे तो आपको, मेरे को लगा ओल्ड टेल इंस्टॉल करके कोई रिबॉन रखा हुआ है। जैसा इसका कलर है भाई, हेलिकन ग्रीन कलर कंप्लीट आपको दिया गया, जैसा इसका देखो कंप्लीट रिस्टोरेशन। और ये अराउंड कितना खर्चा हुआ होगा, इंजन वर्क भी हुआ। तो आपको खर्चा हम लोग लास्ट में बताएंगे, अभी फिलहाल स्टार्टिंग से दिखाएंगे। अभी तो कंप्लीट आपको वॉक अराउंड दिए हैं, इसका सिनेमैटिक्स वगैरह दिए हैं। तो चलो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट हेडलैम्प का बात करेंगे तो कंप्लीट फ्रंट आपको LED DRLs के साथ में आपको अवेलेबल किया गया। इसको स्टार्ट करते हैं फिर दिखाते, स्टार्ट करना अभी दिख नहीं है, अच्छा चल गया। तो वहाँ से स्विच से डायरेक्ट कंट्रोल होगा, BS3 है तो मतलब कि विदाउट ऑटो सेंसर वाला 500 है। अच्छा मतलब 500 पे ऑटो सेंसर भी पहले आता था ना, पहले नहीं अब आने लगा, मतलब पहले एक दो मॉडल पे आता होगा। अभी जो था ना 2017-16, हाँ 16 के बाद 16 से मॉडल में ऑटो सेंसर आने लगा, 15 तक ऑटो सेंसर 500 में नहीं है। तो उससे पहले का मॉडल है ये वाला। और एक बार ये इसका हाई बिन लो बिन स्टार्ट करके दिखा दो ना, एग्जॉस्ट नोट तो हम लोग आगे दिखाएंगे, फिलहाल अभी स्टार्ट करके आप लोग इसका कंप्लीट हेडलैम्प पोर्शन देख लो। और इंडिकेटर्स तो सारे स्टॉक लगे हुए हैं ना, चलो ठीक है बंद कर दो, इतना समझ में नहीं आ रहा, बहुत धूप है और इतना धूप में वीडियो बना रहे भाई। तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, बाकी शेयर भी करना। कंप्लीट इंडिकेटर्स न्यू लगे कि उन्हीं को ये न्यू लगा है, कंप्लीट शाइन वगैरह देखो यार इसका, क्रोम कंप्लीट चमक के आ रहा है। एंड हॉर्न भी दिखा देंगे पहले फ्रंट, इसके क्या बोलते हैं, इसमें वर्क हुआ है क्या स्पोक में, इसका फ्रंट का फोक में? नहीं सर, वही ओरिजिनल ओरिजिनल है और बस ये पेंट हुआ है ना खुलकर, टोटल ग्राफिक्स हुआ है, अलॉय चेंज हुआ है। हाँ वो चलो, तो फ्रंट पोर्शन में देखोगे आपको कंप्लीट ये वाला पोर्शन भी जो है आपका कंप्लीट पेंट हुआ है। एंड ये आपका फ्रंट जो आप एलॉय व्हील देखोगे एंड फ्रंट मडगार्ड, और इस पर जो स्ट्राइप लगा हुआ है ना वो आपका रिबॉन से लिया गया, कंप्लीट कलर स्कीम एंड ग्राफिक स्कीम आपका रिबॉन से लिया गया ओल्ड वाली इंजन में। और टायर्स की बात करें तो 90x90 का टायर है, 19 इंच का, ये हॉक आई का जो एलॉय है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि खतरनाक एलॉय व्हील है। इसका एज अ नाम क्या है, हॉक आई करके ही आता है।
और आप देखोगे तो इसका डिज़ाइन कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और ये लगाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता बाइक में, जस्ट एज अ शो है ना ये। और बाकी अगर आप लोग अगर ने ये वाला देखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। टायर्स न्यू लगे हैं क्या? आगे नया लगा है, ट्यूबलेस है ये, रैलकोन का टायर है, हॉक आई और हाँ दो ट्यूबलेस देख लिया। और बाकी ये जो आपका डिज़ाइन देख रहे हो ना अलॉय व्हील में, काफ़ी खतरनाक डिज़ाइन दिया हुआ है। आते हैं इसके मीटर पे, तो हैंडल वर्क तो हैंडल वाइज स्टॉक है, ये भी पेंट हुआ है। इसका जो कॉकपिट है एंड 36,000 तो चल गया है भाई। और बाकी पर चल चुका है ये, अभी 36,000 चलने के पहले 1,00,000 जिस टाइम ये बनवाया था गाड़ी मेरे से आज 3 साल पहले, तो 1,00,000 किलोमीटर चलाया तो ये रोल हुआ है, 36,000 चल गया इसका, अभी 36,000 में बनाया मेरे से, तो ये रोल हुआ है क्या वापस अपने हुआ कि खोल कर अपने हुआ? बाप रे बाप, बहुत खतरनाक। और इसमें एग्जॉस्ट कौन सा? कोबरा। थोड़ा डिज़ाइन देखो अलग है, तो एक बार स्टार्ट करते, काफ़ी भारी और काफ़ी बेस में एग्जॉस्ट है। क्लच ले लो, सुना भाई काफी ज्यादा भारी एग्जॉस्ट नोट है, कोबरा है ना, और ये कंप्लीट स्टॉक बेंड में ही लगा। इसको भी हम कार्बोरेटर वाला सिस्टम के दिए, ये भी एफआई था। अच्छा, ये एफआई तो लिखा हुआ है, कार्बोरेटर किए हो? कार्बोरेटर लगा हुआ है, ये एफआई है कंपनी का ही। एक मिनट, ये भी बात दिखाना पड़ेगा तब आप लोग को। तो EFI तो है ही, मैंने यहाँ पे EFI दिखाया, बट कार्बोरेटर है, मतलब कि इसमें कार्बोरेटर सिस्टम तुम इंस्टॉल किया है। और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया कस्टमर, प्लस क्या कि कस्टमर का अगर कस्टमर रहता तो उनका भी रिव्यू दे देते आप लोग को बेसिकली, लेकिन अगर तब तक के लिए वीडियो बना पाएंगे तो क्या पता अपलोड हो जाए तब तक। चलो एनीवेज, हम लोग को तो बताना था बता दिए। टैंक देखो ये कम्प्लीट रीपेंट हुआ है टैंक, और ये चौड़ा लगा है, दिख रहा होगा जहाँ शेडो पड़ रहा है वहाँ तो डार्क हो जा रहा है, लेकिन जहाँ पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पोर्शन आप देखो। और इनका डिजाइन देखोगे तो कम्प्लीट ये रिबॉन का ही लिया हुआ है, मतलब रिबॉन का थीम पे मॉडिफाई किया ना इसे। और यहाँ पे आपको इनर थाई सपोर्ट और कंप्लीट स्ट्रेट है भाई, बैठ के चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ाया हूँ मैं बस, उतना ही मेरे को समझ में आ गया। बाकी सीट वगैरह, सीट कवर न्यू लगे हैं ना, सीट कवर्स न्यू हो गए। बॉक्स की बात करें, साइड बॉक्स भी कंप्लीट पेंट हुआ है एंड क्लासिक 500 लिखा हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल बाइक 500 है। और हॉर्न्स हम लोग जो दिखा रहे थे, रूट्स का हॉर्न लगा, ये हॉर्न बड़ा साइज, इसका प्राइस ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से ना। ऑन करने वाला कंप्लीट ट्रेन वाला हॉर्न है भाई, मतलब कि जो आपके पीछे से हॉर्न जबरदस्ती बजा रहा है उसके कान में जाके एक बार बजा दो तब मजा आ जाएगा। और बाकी एक तगड़ा फिक्स है, पूरा हिल भी नहीं रहा, किसी किसी में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। हम क्या कर रहे हैं ना, किसी सारा पत्ती डायरेक्ट ही बना करके मोटा पत्ती लगा दे रहे हैं, मतलब पहले ये वाला हिलने लगता था, तो वो हम लोग इशू अब सॉल्व हो गया समझो। और ये शायद ये भी ये कुछ पेंट नहीं हुआ है शायद ना, ये पेंट हुआ है क्योंकि ऊपर में हल्का वर्क, ये तो पुराना ही, जिस टाइम राइट निकल हम गए थे उसी टाइम का, इसका 5 साल हो गए निकलता। और ये निकल का वर्क अलग से होता है भाई, हर टाइप का निकल वर्क होता है, मेरे को भी करवाना है, लेकिन प्राइसिंग रेंज अगर हाई रहेगा तो समझो काफी ज्यादा लंबा चलेगा। तो मतलब एक सबसे लोवेस्ट प्राइस का भी कुछ आता है ना, निकल। और बाकी उस साइड से भी आपको दिखाते हैं भाई, कंप्लीट इस साइड से भी आप देखो, जो क्लासिक 500 का आपको ग्रीन टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो हेलिकन ग्रीन में क्या होता है ना, टैंक आप गौर से देखोगे तो हल्का हल्का गोल्ड का लगेगा, स्पार्कल टाइप, लेकिन ये रिपेंट हुआ है इसलिए स्पार्कल नहीं दिखेगा, लेकिन वो थोड़ा सिल्वर में स्पार्कल दिख रहा है। अब भाई देखो, ओरिजिनल एंड तुम कॉपी करोगे तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन पकड़ने वाला नहीं पकड़ पाएगा, दूर से नहीं पकड़ पाए, हम खुद नहीं पकड़ पाए, जब हम जैसे उतरे हम देखे कि रिबॉन खड़ा है और रिबॉन में टेल लाइट लगा हुआ है, लेकिन ये रिबॉन नहीं था भाई। और कितना जन इसे रिबॉन बोल रहे हैं भाई, आप लोग बताना अगर जो आप लोग थंबनेल वगैरह देख के बोले हो तो। बाकी ये कंप्लीट न्यू टेल लगा, ये टेल मतलब पहले से था कि अभी लगाए हो नया? सब नया लगा है ये। एंड उसके बाद एलॉय व्हील देखोगे रेयर का, तो रेयर का एलॉय व्हील का डिज़ाइन आप लोग देख रहे हो, बहुत ही भारी साइड में एलॉय लग रहा है। ये नया टायर डाले हो? ये टायर पुराना है, 110/90 का है, 18 इंच का एलॉय है। ये एलॉय अभी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा? तो सारा नंबर वगैरह इनका दिया हुआ है, न्यू बिहार ऑटो मोबाइल। रिबॉन के लिए भी मेरे को इसमें नहीं बोले, ये रिबॉन के लिए नहीं आया, क्लासिक के लिए मिल जाएगा, क्लासिक के लिए मिल जाएगा, सिंगल डिस्क दोनों के लिए मिल जाएगा, सिंगल डिस्क ये वाला सिंगल डिस्क है। रिबॉन में थोड़ा दिक्कत होता है ना, एलॉय का नया है अभी, इसीलिए बोल
रहा ये अलॉय के लिए, लेकिन ये अलॉय नहीं हो पाएगा अवेलेबल। कैसा वो, सही लगा? बहुत बढ़िया। चलिए हाँ आ जाएगा। चलिए ठीक है भैया। और बाकी आप लोग देख रहे हो इसे, और न्यू बिहार ऑटोमोबाइल, इनका एड्रेस है गिरिडीह झारखंड नियर बस स्टैंड, तो नंबर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई। और बाकी आप लोग बताओ कैसा आपको लगा। देखो ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो कलर स्कीम एक चेंज हुआ, उसके बाद आपका एलॉय चेंज हुआ, फ्रंट हेडलैम्प चेंज हुआ, और हॉर्न्स एंड एग्जॉस्ट। बाकी अगर बाइक पुराना है तो अगर इंडिकेटर्स टूटे हुए तो वो चेंज हुए, और इंजन वगैरह का वर्क हुआ क्योंकि बाइक पुराना था, एंड बफिंग वगैरह हुआ, लेकिन वो सब पहले हो चुका। तो अराउंड कितना खर्चा हो गया होगा इस पर? 60-70 लमसम। 60-70 इंजन वगैरह ए टू जेड सब लेकर ना, और रिस्टोर भी हुआ। बाकी अगर ऐसे आप लोगों को बताएं तो इसका प्राइस कम से कम लगता है 2500 या 2500 अराउंड के रहता है ना, वो तो वाट पे डिपेंड है। और बाकी पेंट का इसका ज्यादा लगा गया? पेंट का इसका लग गया तुम्हारा जाकर 14000 पेंट का। ओरिजिनलिटी एक दिखता है भाई, तो आप समझ सकते हो पेंट का। अगर आप लोग के पास लोकल में कम दिख रहा है तो आपको मिल जाएगा। ग्राफिक्स मेरे को लगता है 500 से 800 लिया होगा आराम से। 1200 लिया है, मतलब कि कॉपी करने का 1200 लेता है इसका। चलो सब कम आ रहा, आप क्या कर सकते हैं। देखो ये हम लोग प्राइस आपको एक प्राइस हम लोग आपको एस्टिमेट बता रहे हैं, आप लोग आगे समझ सकते हो प्राइसिंग वगैरह का रिगार्डिंग। 25-26 तक में आ जाता है, 25-26 में वो हॉर्न आ जाएगा। एलॉय कितने का आता है? एलॉय ये भी पड़ रहा है अभी का पड़ रहा है कॉस्टिंग 9500। अभी 9500, उस टाइम 6 के अराउंड था ना? नहीं नहीं, उस टाइम 8000 रुपए इनको इसको पड़ा था, अभी 1500 रुपए बढ़ गया हर एलॉय में। वो तो 1200 इस टाइम से करके बढ़ गया। और एग्जॉस्ट का कितना आ जाएगा? 3750 का ये वाला कोबरा एग्जॉस्ट डाला हुआ, कोबरा एग्जॉस्ट डाला हुआ है इसमें। बाकी ये हो गया कंप्लीट इसका भाई। अब थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह लेंगे, और टेल सेक्शन भी कंप्लीट चेंज है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा भाई क्या क्या इसमें मॉडिफाई हुआ है ए टू जेड कंप्लीट। हम लोगों ने जितना देखा आप लोगों को उतना, मतलब कि जितना मेरे को दिख रहा है वो तो मैंने बताया ही, बाकी इसमें पुराना क्या वर्क हुआ वो तो मेरे को पता नहीं। चलो एनीवेज अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कितना लोग समझे थे इसे रिबॉर्न 500 ही, क्योंकि ऐसा कलर है, और थंबनेल टाइटल में मैंने जान के डाला था कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। बाकी एनीवेज चलो वीडियो हम लोग करते हैं एंड, होपफुली वीडियो पसंद आएगा। और न्यू बिहार ऑटोमोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, @bullet_in_robert इनका इंस्टाग्राम हैंडलिंग है, और शिपिंग वगैरह चालू है ना। और ये थार लियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो बाकी इस पे भी वीडियो आएगा बहुत जल्द, अभी नहीं शूट कर पा रहे क्योंकि थोड़ा बहुत टाइट चल रहा है शेड्यूल। बाकी चलो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हाँ भाई सब्सक्राइब जरूर करना।